भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार खुशखबरी मिल रही है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। भारत को बधाई, हमारे सभी मेहनती वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा, जिन दो टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में बने हैं। यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है कि एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए जिसके मूल में देखभाल और करुणा है। भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसका स्वागत किया है। WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन COVID-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने के भारत के निर्णय का स्वागत करता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के CEO अदार पूनावाला ने भी इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, सभी को नया साल मुबारक हो। कोविशील्ड भारत में पहले COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सुरक्षित और प्रभावी यह वैक्सीन आने वाले हफ्तों में रोल आउट के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत संभवतः दुनिया में पहला ऐसा देश है जहां 4 टीकों पर काम चल रहा है। कुछ धार्मिक हस्तियों द्वारा टीके पर संदेह जताए जाने के बारे में पूछे जाने पर जावड़ेकर ने कहा कि हमारा टीका प्रभावी है और बाकी दुनिया भी इसका उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कई परीक्षणों के बाद टीके तैयार होते हैं और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से COVID-19 के टीके के सुरक्षित होने और इसकी प्रभाव क्षमता के बारे में अफवाहों और भ्रामक सूचना अभियानों को लेकर गुमराह नहीं होने की शनिवार को अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे मंजूरी देने से पहले किसी भी प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर्षवर्धन ने कहा, टीकाकरण के प्रथम चरण में सर्वाधिक प्राथमिकता वाले लोगों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाएगा, जिनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे के 2 करोड़ कर्मी शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।